प्रेम शुक्ला जवाब ले लीजिए सर। जी जी सर, पाकिस्तान से तो किस तरह की मदद पहुंचाई गई थी, किसी से छिपा थोड़ी है, दुनिया ने देखा है सर, दुनिया ने देखा है। अफगानिस्तानियों से बात कर लीजिए सर, अफगानियों से बात कर लीजिए ना। जी शहजाद भाई जरा शांति से सुन ले, जरा जरा चिल्लपो करने से विमर्श नहीं होता है, जरा शांति से सुन ले। देखिए शहजाद भाई, आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के राजनीति से भारत का क्या लेन देन है, तो ये पहले तो पाकिस्तान का ही भारत से लेन है, लेन देन है। अगर अगर भारत नहीं होता तो पाकिस्तान पैदा कैसे होता? हम आपके अब्बा हुजूर लगते हैं जी, पाकिस्तान के अब्बा हुजूर लगते हैं भारत, पहली बात। और अफगानिस्तान भी ड्यूरन लाइन खींचने के पहले इस भारत का अंग हुआ करता था। ये अब चिल्लाइए मत, अभी आराम से शांति से मैं आपको सुन रहा था, आपको सुन रहा था। आप क्यों इतना जल्दी जो है उद्वेग में क्यों आ रहे हैं? आराम से सुन लीजिए ना। पाकिस्तान के लोगों को तमीज नहीं है क्या? अब्बा से कैसे बात करनी चाहिए? पाकिस्तान के लोगों को तमीज नहीं है अब्बा जी? भारत के शांति से सवार से बात करोगे? मुंह संभाल के बात करिए, हम जरा तहजीब सीख लो। हालांकि आतंकवादियों के देश से तहजीब की अपेक्षा करना अतिरे है। जो आतंकवादियों की भाषा समझते हो, जो गोलियों की भाषा समझते हो, बम बंदूकों की भाषा समझते हो, बेहूदगी के अलावा उनको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती है। उनके जुबान पे बेहूदगी होती है, उनकी आत्मा में बेहूदगी होती है। जो मुद्दा है उस पर आइए सर, मुद्दे की बात की जाए, उसके बाद मैं आपको फ्लोर दे रही हूँ। सज्जाद तारिक भी मुद्दे की बात की जाए जी। हाँ, मुद्दे की बात कीजिए सर जी, मुद्दे की। धन्यवाद। मैं पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये क्या सत्य नहीं कि अफगानिस्तान में आज जो आतंकवाद है, उस तालिबान नाम के आतंकवाद के भूत को पैदा जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने किया था? ये सत्य है कि नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि पाकिस्तान में जो फिर आप चिल्ला रहे हैं? आपने अपनी जमीन का उपयोग करने दिया कि नहीं करने दिया? आप बताइए ना, जमीन आपने दिया, हथियार आपने दिया, अफगानिस्तान में हिंसा आपने फैलाई, तो शैतान की औलाद कौन हुआ? तो शैतान की औलाद कौन है? इबलीस की हरकतें कौन करता रहा पाकिस्तान? और इबलीस की हरकतें करने वाले पाकिस्तान की आज के मुताबिक जो अरे बलूचियों पर कौन कर रहा है, और कश्मीरियों पर आप ही करने का कुकर्म कर रहे हो? इबलीस की औलाद उनको नहीं सिखाएगी ना? पैगंबर के हकूक को मानने वालों को इबलीस की औलादों से सीखने की जरूरत नहीं है। इबलीस की औलादें प्रभु राम के देश को सिखाने की स्थिति में नहीं। हम मर्यादा रखते हैं, हम राजनयिक की मर्यादा समझते हैं। अनवर फारूकी, एक सेकंड रुकिएगा जरा, प्रेम शुक्ला जी। वैसे यहाँ पर सबको स्पष्ट करते हुए, आज टॉपिक जो है बहस का वो पाकिस्तान है। वो शहजाद अनवर फारूकी साहब, आप कश्मीरी की बात कर रहे थे, आप वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरियों की बात कर रहे हैं शायद, जहाँ पर पॉलिटिशियंस भी कहते हैं, जहाँ पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि भारत आए और हमें आजाद करा कर ले जाए, भारत का भी हिस्सा है। आजाद कश्मीर में सारी दुनिया के, जो हमारे वाला कश्मीर है उसमें सारी दुनिया से ऑब्जर्वर आते हैं। आप जरा कभी ऑब्जर्वर्स को उधर भेज कर तो कश्मीर आ गया जी। उनके ऑब्जर्वर की औकात क्या है? उनको तो 70 साल पहले पैदा हुए हो, आपका कश्मीर कहां से हो गया? बैठ के बात कश्मीर आपका कहां से हो गया? आपके पूर्वजों शहजाद अनवर फारूकी, आप शायद ही भूल गए जिस डिस्कशन में आप बैठे हैं ना, जिस डिस्कशन में आप बैठे हैं। एक सेकंड रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए एक सेकंड। जिस डिबेट में आप बैठे हैं ना सर, उस डिबेट में दो स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर से बैठे हैं सर। मुझे आपको साबित नहीं करना, इस देश को आपको साबित नहीं करना सर। और अभी थोड़ी देर पहले, बस थोड़ी ही देर पहले आप मुझे ये याद दिला रहे थे कि आप उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हालात नॉर्मल हो। लेकिन आपने जिस तरह से हमला बोलना शुरू किया और एक के बाद एक आरोप लगाने शुरू किए सर, इतनी जल्दी थोड़े ही ना इस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज होना चाहिए। शुरू किया अदिति जी, आरोप लगाना आपका काम नहीं था, आपने शुरू किया ये काम। सर आरोप लगाने का काम नहीं करती मैं, आरोप लगाने का काम नहीं करती, तथ्य है बकायदा। पाकिस्तान के टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट में सफाया किया जा रहा है, उन्हें वेपन कहां से आ रहा है ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा सर। उसामा बिन लादेन कहां मिला था सर? छोड़ दीजिए, चलिए आपको भारत से तो आपको दिक्कत है, भारत से तो आपको दिक्कत है, चलिए मान लिया सर। अरे शहजाद अनवर साहब कहां चले गए? आपको ये मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि कसाब कौन था, कहां से आया था, ये मैं याद दिलाऊं? 26/11 का जो जख्म हम लोगों को मिला, इस भारत को मिला, इस देश को मिला, वो किसने दिया? मुझे याद दिलाना पड़ेगा सर। खिलाफ हूं
देखिए अदिति जी एक मिनट, जो प्रिंसिपल स्टांस है दहशतगर्दी की किसी भी सूरत के मैं खिलाफ हूँ, खा वो पाकिस्तान के खिलाफ हो खा वो इंडिया के खिलाफ हो, तो पाकिस्तान मैं इंसानियत के खिलाफ होने वाले हर कदम की मजम्मत करता हूँ, खा वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हूँ, लेकिन जो इंसान को अधिकार दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन के किसी एयरपोर्ट पर जाने पर पाकिस्तानियों को अपमानित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता जी, कि उनके बुनियादी हकूक की जमानत दी गई है, चेक किया जाता है पाकिस्तान के दुनिया के किसी एयरपोर्ट पर वायलेशन हो रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, उस पर आपसे बात करना चाहिए जी, दोबारा बोलिए मुझसे बात करनी है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है जी, वहां अभी पर एक महिला की गवाही आई थी, मैं चाहूंगी अगर हमारे पास इस डिबेट में वक्त हो तो महिला की गवाही, महिला जो महिला द्वारा कहा गया कि किस तरह पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन बेस्ड है उसके पति का किस तरह से इस्तेमाल किया गया और परिवार को चुप, सर आप सुन लीजिए ना सर, आप बात करना चाहते हो तो कब की बात कर रही हूँ, साबित नहीं कर सकती, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, साक्षात प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, कश्मीर पे जो बैन अल-अक़वामी रिपोर्ट है वो क्या बताती है, मेरे और आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दीजिए मैं क्या कहता हूँ, छोड़ दीजिए कि आप क्या कहती हैं, सर मैं कहती नहीं हूँ, मैं नहीं कहती हूँ सर, मैं नहीं कहती हूँ, टेरर के खिलाफ जो इंटरनेशनल पोर्टल्स हैं वो कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ सर, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पूछती हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है और वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद में वापस आपको फ्लोर दे दूंगी, शहजाद अनवर फारूकी उसके बाद में वापस आपको फ्लोर दे दूंगी, हाफिज सईद को लेकर भी फिर आप जवाब दीजिएगा मुझे, जकीउर रहमान।